असलम एवरी वन मै नेम इज यशरा चौहान आई एम वर्किंग एज अ सोशल मीडिया एक्सेटिव इन सेवन सोल्यूशंस और मज़े की बात है कि आज मुझे काम करते हुए पूरा एक साल हो गया सो आई एम काइंड ऑफ वेरी हैप्पी और मेरे लिए तो एक सेलिब्रेशन डे भी है सो so, ऐसा है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम सरफान से क्योंकि वो बहुत फ्रीकुंटली कॉमेंट्स वगैरह नहीं देख सकते तो हम फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन या लोगों की जो क्वेरीज हैं उनको वन से नाम निकाला करेंगे और सर इरफान आंसर डायरेक्टली पूछा करेंगे सो हेयर ही इज आज हाथ लग गए हैं सो लेट स्टार्ट और वी विल कवर द देश वन बाई वन असलम सर जी वाईक <laughs> पकड़े गए पकड़ा गया <laughs> <laughs> क्योंकि मैंने पकड़ा है आपको आपके इतना बिजी स्केच में आप लोगों को बता दूँ वाकई ही ऐसा होता है कि जिस जिस तरह से ये लोग हैंडल्स देख रहे होते हैं मैं सारे हैंडल्स में नहीं होता हूँ और मैंने आपको बार बार बताया कि मेरी टीम मुझे सपोर्ट करी है वो अपनी जॉब नहीं कर रही वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉमेसन वो मेरे से ले कर आगे पहुँचा दें तो जितनी इन्फॉमेशन आप लोगों तक पहुँच रही है उसका क्रेडिट मेरी टीम को जाता है क्योंकि दे आर पुशिंग में एक्चुअली दे आर पुशिंग में बहुत मुश्किल होता है बहुत से लोग ये बात समझ नहीं पाएंगे कि एक सॉफ्टवेयर हाउस रन करते हुए ये सब करना बहुत मुश्किल होता है आप हमेशा गुम हो जाते हो फिर ये मुझे खींच के वापस ले आते हैं तो अभी मेरा कराची जाने का प्लान और थे, इन्होंने एक लंबी लिस्ट बना के मुझे बिठा लिया सो so, जो मेरे पास है आई एल बी शेयरिंग विद यू ऑनेस्टली जी ऑनिस्टली so, uh, सर पहला क्वेश्चन जो हमें बहुत ज़्यादा रिसी, रिसीव होता है हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट ये बहुत बेसिक सवाल है लेकिन ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं उनको नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या है हमें कौन से स्किल सेट पर मेहनत करनी चाहिए किस स्किल सेट के ज़्यादा फायदे हैं या हम कौन सा स्किल सेट सीख सकते हैं और हम कौन सा स्किल सेट नहीं सीख सकते ये ज़्यादा बात है आज मैंने इसको डिफरेंट परस्पेक्टिव से इसका जवाब देता हूँ ये बड़ी ही गलत बात होगी अगर मैं आप लोगों से कहूँगा कि ए बी सी डी तुम ये सीखो तुम ये सीखो तुम ये सीखो ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है और अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में ये हो रहा है ऐसा नहीं होता आई कैन नॉट टेल यू यशरा वट यू शुड लर्न लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल ही क्यों पैदा होता है सबसे पहले तो ये समझना है हमने कि लोग ये ऐसा क्यों पूछते हैं कि मैं क्या स्किल सेट सीख पाऊंगा क्यों क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा घुसा दी गई है और अगर अब आप आपके दिमाग में सवाल आए कि क्या एक सर्टेन स्किल सेट मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूं तो सबसे पहले आपने ना अपने आप को हाँ या ना में जवाब नहीं देना आपने ये देखना है कि उस स्किल के प्री क्या हैं उस स्किल से पहले क्या क्या चीज़ें जरूरी है चैट जीपीटी से पूछना गूगल से पूछना आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैंने प्रोग्रामिंग सीखनी है अच्छा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एक बेसिक एजुकेशन का होना जरूरी है और बेसिक एजुकेशन क्या है अगर तो वो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जो बेसिक एजुकेशन चाहिए उसके क्लोज क्लोज है तो आप ट्राई कर सकते हो उससे बहुत दूर है तब भी आप सीख सकते हो लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आपकी आर्ट की डिग्री है आप आर्ट्स में जाएं अगर आपकी मैकेनिकल uh, की डिग्री है तो कोशिश करिए मैकेनिकल में जाएं पर ये अल्टीमेट ऑप्शन नहीं होती ये ओनली ऑप्शन नहीं है hmm. हमारे पास भी ज़्यादातर लोग मैकेनिकल से और इलेक्ट्रिकल से आके सी में बैठे हुए हैं ठीक है, है? Hmm. और आपकी क्या फील्ड है भाई दुम आई वै साइकाल राइट एंड वॉट यू आर डूंगीडिया सोशल मीडियाेंट एग्जाम्पल ठीक है अब आपने फैसला कैसे किया अशर आपने फैसला ऐसे किया जहाँ तक मैंने जब आपका इंटरव्यू किया था तो आपको अच्छा लगता था आपको कुछ चीज़ें आप बात करना लोगों से इंट्रैक्ट करना उनके मसाइल को देखना और अपनी वैल्यू ऐड करना अपनी प्रेजेंस को फेल्ट कराना और लाइम लाइट में आ लोगों को हेल्प आउट करना देर वॉज ऑल दे और एज ए साइकोलॉजिस्ट ये काम पॉसिबल नहीं होते तो आपने अपनी लाइक्स पे फैसला किया, किया कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहती हो वो आपको बेहतर पता था आप क्या करके आपको अच्छा लगता है ये भी आपको बेहतर पता है क्या डिग्रीज आप करके आई हो यू नो बैटर आपको पता था कि आप एक कमरे में बैठ के कंप्यूटर पे काम करना आपको अच्छा लगता है या फील्ड में जाके काम करना अच्छा लगता है ये भी इस सवाल का जवाब भी आपके पास है तो अब मैं मेथड की तरफ आता हूँ आपको याद होगा कि हमने तकरीबन जब आप न्यू आए थे तो एक साल पहले हमने वी में सेशन किया था उसमें मैंने ये जवाब दिया था और मैंने कहा था कि आप लिस्ट बना लो एक लिस्ट आप बनाओ जिसमें आप अपनी पसंद नापसंद लिखो स्किल की बात नहीं कर रहा एक लिस्ट आप बनाओ जिसके अंदर आप स्किल्स और उनकी क्वालिटी लिखो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक लिस्ट है मैं अपनी लिस्ट बताता हूँ कि आप अपनी लिस्ट बता मैं बताऊँगा तो ज़्यादा बायस हो जाएंगे लोग सलत so, से कि आपने लिस्ट बनाई कि मुझे कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है मुझे फील्ड में धूप में फिरना अच्छा नहीं लगता मुझे फील्ड वर्क अच्छा नहीं लगता और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप अपनी क्वालिटीज लिखो ठीक है कि आप जिसके अंदर हो क्या है मुझे फिजिकल वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है कुड भी मे बी ट्रैवलिंग आपको अच्छी लगती है वो सारी क्वालिटीज़ लिख लो कि आपको क्या अच्छा लगता है आपको क्या अच्छा नहीं लगता दूसरे कॉलम में आप सारे स्किल सेट्स को मैंशन करो पॉसिबल स्किल सेट जो आपको आप ये नहीं कहते कोई भी बंदा इतना कन्फ्यूज नहीं होता कि दुनिया के सारे स्किल सेट में कन्फ्यूज हो वो होता कन्फ्यूज है पाँच दस दो चार पाँच छः ऑप्शन होती हैं उसमें से कन्फ्यूज होता उन ऑप्शन को लिखो और देखो कि कौन सा स्किल सेट ऐसा है जिसमें आपकी मैक्सिमम लाइकिंग्स आ रही हैं जो चीजें पसंद है और मिनिमम वो चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं एंड दैट इज स्किल सेट फॉर यू और ये फैसला कौन कर रहा है ये फैसला आप खुद कर रहे हो hmm. किसी मेंट से पूछोगे ना तो बेड़ा करा के कराओगे मोस्ट लाइकली ये गलती मत करना कभी मैं बच्चों से कहता हूं ये गलती कभी मत करो कि जो हम रिश्तेदारों में देखते हैं कि फ़लां का बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर देखो कितना अमीर हो गया फलां का बच्चा डॉक्टर बनकर अमीर हो गया हमारे मुल्क में मेडिकल सेक्टर में बेड़ा गरक पड़ा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर को देख के डॉक्टर बन रहे हैं डॉक्टर के स्कोप को और उसकी नीड को डिमांड को देख के डॉक्टर नहीं बन रहे इंजीनियर को देख के इंजीनियर बन रहे हैं किसी बाहर जाने वाले को देख के हम बाहर जा रहे हैं वो इस पर हम बात करें खतरनाक बात है कि ये बंदा बाहर गया अमीर हो गया मैं भी बाहर जाऊंगा ये इंजीनियर बना अमीर हुआ मैं भी इंजीनियर बनूंगा वो डॉक्टर बन के अमीर हुआ मैं भी डॉक्टर बनूंगा उसने रियल स्टेट में जाके पैसा कमाया मैं, मैं भी रियल स्टेट में जाऊँगा हमारा बेड़ा गर्क इसलिए होता है कि हम दूसरों को देख के अपना करियर डिसाइड कर लें खुदा के लिए खुद को देख के करियर डिसाइड करो अपनी ज़ात को देखो वो कॉलम्स जो मैंने अभी आपको बताया लिस्ट डाउन करो अपनी पसंद ना पसंद को लिस्ट डाउन करो स्किल्स को अंडरस्टैंड करो और फिर स्किल सेट पिक करो दूसरों को कभी मत देखो ऐसा करोगे तो उनसे कई गुना ऊपर जाओगे वरना हमेशा उनसे नीचे रहोगे ये प्रॉब्लम है आई होप कि आप लोगों को हेल्प आउट हो जाएगा थोड़ा बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको यही दोबारा करेंगे आप Oh, man. <laughs>